Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. We are learning our science book by Brain Root series. The name of our book is Science Park Class 1. और आज हम अपना chapter number 4 start करेंगे. Chapter का नाम है Types of Animals. आज हम अलग अलग जानवरों के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए start करते हैं अपना chapter. In this chapter, you will learn. इस chapter में आप पढ़ेंगे Animals are of different size, wild animals, pet animals, insects और birds के बारे में. आप ये पढ़ेंगे कि सभी जानवर क्या होते हैं, साइज में डिफरेंट. कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है. और हम जंगली जानवर, पालतू जानवरों के बारे में पढ़ेंगे. और मैं आपको बताऊंगी इंसेक्ट्स और बर्ड्स के बारे में भी. बिफोर वी स्टार्ट वी विल डू वार्म अप. तो लेसन स्टार्ट करने से पहले हम एक वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे. सर्कल द एनिमल्स यू सी अराउंड यू. यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स की पिक्चर हैं. आपको उन एनिमल्स को सर्कल करना है जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं. सबसे पहली पिक्चर है लिजार्ड, मतलब छिपकली की. तो आप देखते हैं उसे अपने आसपास, यस, तो आप इसे सर्कल करेंगे. नेक्स्ट पिक्चर है डॉग, मतलब कुत्ता. हम सब अपने घर के आसपास देखते हैं. हम लोगों में से कुछ लोग डॉग को एज अ पेट एनिमल भी अपने घर में रखते हैं. तो हम डॉग को क्या करेंगे, सर्कल करेंगे. तो बाकी के एनिमल्स को आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और जो एनिमल आप अपने आसपास देखते हैं उन पर सर्कल करेंगे. तो चलिए अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस. हम अपने चारों तरफ बहुत से अलग अलग जानवरों को देखते हैं. वी नो डेट एन एनिमल इज अ लिविंग थिंग. आप सबको पता है कि एनिमल क्या है, लिविंग थिंग. क्यों है? क्योंकि एनिमल मूव करता है, सांस लेता है और ग्रो करता है. इट ब्रीथ्स, फील, मूव्स, ग्रो एंड प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स ओन काइंड. तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया जानवर सांस लेता है, फील करता है, ग्रो करता है, मूव करता है और अपने जैसे दूसरे जानवरों को जन्म देता है. एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. सभी जानवर अलग अलग आकार और आकृति के होते हैं. कोई एनिमल छोटा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है, तो कोई मीडियम साइज का होता है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्मॉल एनिमल्स. स्मॉल एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? गिलहरी, खरगोश, चूहा और बिल्ली, ये सब क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए हम इन्हें स्मॉल एनिमल्स कहते हैं. अब मैं आपको बताऊंगी बिग एनिमल्स. शेर, चीता, गैंडा, जिराफ, ये सब क्या हैं? बिग एनिमल्स, क्योंकि ये साइज में क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट वाइल्ड एनिमल्स. तो चलिए अब हम जंगली जानवरों के बारे में पढ़ेंगे. एनिमल्स विच लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल. वो जानवर जो जंगल में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं. सम ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स आर मंकी, बियर, कंगारू, टाइगर एंड स्नेक. कुछ वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन से हैं? बंदर, भालू, शेर, सांप, चीता, लोमड़ी, ये सब क्या हैं? वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि ये कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट पेट एनिमल्स. अब हम पालतू जानवरों के बारे में पढ़ेंगे. एनिमल्स डेट कीप इन आर होम्स आर कॉल्ड पेट एनिमल्स. वो जानवर जिन्हें हम अपने घरों में पाल सकते हैं, अपने घरों में रखते हैं, उन्हें हम पेट एनिमल्स कहते हैं. डॉग, कैट, रैबिट एंड पैरेट आर पेट एनिमल. कुत्ता, बिल्ली, खरगोश और तोता, इन सबको हम पालते हैं. तो ये सब क्या हैं? पेट एनिमल्स. डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ. ब्लू व्हेल क्या है? सबसे बड़ा जानवर है धरती का. वो बहुत बड़ा होता है साइज में. अ नॉर्मल साइज्ड ब्लू व्हेल कुड बी एज लॉन्ग एज द लेंथ ऑफ 3 स्कूल बसेस पुट टुगेदर. नॉर्मल साइज की
जो वेल होती है पता है कितनी बड़ी होती है? आप अपनी स्कूल की 3 बसेस को एक लाइन में खड़ा कर दीजिए तो जितनी उसकी लेंथ है उसके बराबर एक वेल होती है नॉर्मल साइज की। नाउ वी विल लर्न अबाउट इंसेक्ट्स। अब हम कीट पतंगों के बारे में पढ़ेंगे। इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल एनिमल्स। दे हैव 6 लेग्स। दे हैव विंग्स। विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई। इंसेक्ट्स क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे होते हैं साइज में और इन सब की क्या होती हैं? 6 लेग्स होती हैं। और क्या होते हैं इनके? विंग्स मतलब पंख होते हैं। देखिए ये विंग्स है ना इनके, ये किस लिए हेल्प करते हैं इनको? फ्लाई मतलब उड़ने के लिए। तो इंसेक्ट्स कौन कौन से हैं? क्रिकेट, वास्प, हनी बी, कॉकरेज, एंट एंड ग्रास होपर, चीटी, कॉकरेज, ततैया और क्रिकेट मतलब मच्छर, खटमल, ये सब क्या होते हैं? ये सब इंसेक्ट्स होते हैं। साइज में बहुत छोटे होते हैं और इनके विंग्स होते हैं जिनसे ये उड़ सकते हैं। नाउ बर्ड्स। बर्ड्स मतलब चिड़िया। बर्ड्स आर अनदर ग्रुप ऑफ एनिमल। बर्ड्स भी क्या है? एनिमल्स का एक और ग्रुप है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई। बहुत सी बर्ड फ्लाई मतलब उड़ सकती हैं। सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, लेकिन कुछ बर्ड्स उड़ नहीं सकती। दे फ्लाई विद द हेल्प ऑफ द विंग्स। बर्ड्स किसकी हेल्प से उड़ती हैं? अपने विंग्स की, अपने पंखों की मदद से खुले आसमान में उड़ती हैं। बर्ड्स हैव अ हार्ड बीक टू ईट। बर्ड्स की क्या होती हैं? बहुत मोटी और कठोर चोंच होती है जिससे वो क्या करते हैं? खाते हैं। दे डू नॉट हैव टीथ। बर्ड्स के दांत नहीं होते, उनकी चोंच होती है जिससे वो खाना खाते हैं। आई एम रॉबिन, आई ईट अर्थवॉर्म। ये एक बर्ड है, वो क्या कह रही है कि मेरा नाम रॉबिन है और मैं अर्थवॉर्म मतलब केचुए खाती हूँ। नाउ अनदर बर्ड, वो क्या कह रहा है? आई एम वुड पिकर। मैं क्या हूँ? कंठ फोड़वा हूँ। आई क्लाइम ट्री, और मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ। देखिए वो पेड़ पर क्या कर रहा है? चढ़ रहा है। नाउ टाइम टू टेस्ट योर स्किल। चूज द ऑड वन आउट। यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं, उनमें से जो ऑड है मतलब सब नामों से अलग है उसको आपको क्या करना है? पहचानना है। तो चलिए एक करते हैं। हॉर्स, गोट, शीप एंड लायन। हॉर्स, गोट और शीप ये तीनों क्या हैं? पेट एनिमल्स हैं। और लायन क्या है? वाइल्ड एनिमल। तो इसमें क्या अलग है? लायन, क्योंकि वो क्या है? जंगली जानवर है। नेक्स्ट, टाइगर, कैट, डॉग एंड रैबिट। कैट, डॉग और रैबिट ये क्या है? स्मॉल एनिमल हैं। और टाइगर क्या है? बिग एनिमल। तो टाइगर इनसे अलग है। नेक्स्ट टू यू विल डू बाय योरसेल्फ। चलिए आगे पढ़ते हैं। आई एम ईगल, आई हैव शार्प आई साइट। वो क्या कह रहा है? मैं चील हूँ और मेरी नज़र क्या है? बहुत शार्प है, बहुत तेज है। नेक्स्ट, आई एम डक, आई हैव वेब्ड फीट। मैं क्या हूँ? मैं एक बत्तख हूँ और मेरे फीट कैसे हैं? वेब्ड हैं। वेब्ड फीट कैसे होते हैं? बड़े होते हैं और इन्हें तैरने में मदद करते हैं। जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, जो बर्ड्स पानी में रहती हैं, उनके क्या होते हैं? वेब्ड फीट होते हैं। आई एम नाइट एंगल, आई सिंग अ सॉन्ग। मैं कोयल हूँ और मैं क्या गाती हूँ? गाना गाती हूँ। नाउ वी विल लर्न अबाउट फ्लाइटलेस बर्ड, जो बर्ड्स नहीं उड़ सकते। आई एम एन ऑस्ट्रिच, मैं क्या हूँ? एक शुतुरमुर्ग जिसे ऑस्ट्रिच कहते हैं। आई रन वेरी फास्ट ऑन माई लॉन्ग लेग्स, उसकी टांगें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। वो कहता है मैं अपनी टांगों की मदद से बहुत तेज भागता हूँ। बट कैन नॉट फ्लाई, लेकिन मैं उड़ नहीं सकता। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई बिकॉज दे आर टू हैवी टू फ्लाई।
कुछ बर्ड्स नहीं उड़ सकती क्योंकि वो क्या होती हैं, बहुत भारी होती हैं। देखिए पेंगुइन, वी कैन नॉट फ्लाई, पेंगुइन कह रहा है मैं उड़ नहीं सकता क्योंकि पेंगुइन क्या है, बहुत हेल्दी है, हैवी है। कीवी, इमू, ये सब बर्ड्स बहुत हैवी होती हैं इसलिए ये उड़ नहीं सकती। नाउ वी विल लर्न अबाउट अदर बर्ड्स, वी कैन फ्लाई, तो वो कह रही हैं हम उड़ सकते हैं। आउल, उल्लू, गिद, मोर और चिड़िया, ये सब क्या हैं, उड़ सकते हैं। पिकॉक क्या है, पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है, सबसे सुंदर पक्षी। मोर के क्या होते हैं, बहुत सुंदर पंख होते हैं और जब बारिश आती है तो मोर को नाचना बहुत अच्छा लगता है। चलिए जल्दी से फ्लैशबैक में चलते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल इन द वर्ल्ड, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, वो कह रहा है इस दुनिया में बहुत तरह के जानवर हैं, कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल, कीट पतंगे सबसे छोटे होते हैं। दे हैव सिक्स लेग्स, उनकी छः टांगे होती हैं। सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई, और कुछ इंसेक्ट्स के क्या होते हैं, पंख, जिनकी सहायता से वो उड़ते हैं। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, बर्ड्स के दांत नहीं होते, उनकी क्या होती हैं, चोच होती है और वो बहुत हार्ड होती हैं जिनसे वो खाना खाते हैं। नाउ टाइम टू डू एक्सरसाइज, तो चलिए अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें सही ऑप्शन पे टिक का निशान लगाना है। एनिमल्स डेट लिव इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड, जो एनिमल फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, इंसेक्ट्स, पेट्स और पैरासाइट्स, हम उन्हें वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। विच ऑफ दीज इज अ बिग एनिमल, यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है उनमें से बिग एनिमल कौन सा है। रैबिट, बटरफ्लाई, रैट और एलिफेंट, तो सबसे बड़ा एनिमल है एलिफेंट। नेक्स्ट, बर्ड्स डू नॉट हैव, बर्ड्स के क्या नहीं होते, विंग्स, टीथ, आईज और फेदर्स, बर्ड्स के टीथ नहीं होते, दांत नहीं होते। नेक्स्ट, दिस एनिमल इज एन इंसेक्ट, यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं उनमें से वो क्या कह रहा है कि एक इंसेक्ट है। हाउस फ्लाई, एलिफेंट, रैबिट और व्हेल, तो इंसेक्ट कौन सा है इसमें से, हाउस फ्लाई। नाउ एक्सरसाइज बी, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, किसकी पिक्चर है, एलिफेंट की, और कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपको एनिमल को देखना है, मतलब एलिफेंट को देखना है, और जो सही स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट एलिफेंट से मैच होती है, आपको उस पर टिक करना है। इट इज़ एन इंसेक्ट, ये एक इंसेक्ट है, नो, तो यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे। इट हैज़ फोर लेग्स, इसकी चार टांगे हैं, यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हम इस पर राइट करेंगे। इट इज अ काउ, ये एक काउ है, नहीं, ये एक एलिफेंट है। इट हैज टू बिग ईयर्स, इसके दो बड़े कान हैं, हाँ, एलिफेंट के बहुत बड़े बड़े ईयर्स होते हैं, तो हम इस पे क्या करेंगे, राइट करेंगे। इट लिव्स इन आर होम, ये हमारे घर में रहता है, हो सकता है कि इतना बड़ा हाथी हमारे घर में आ जाए और रहे हमारे साथ, नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज़ अ लार्ज एनिमल, ये बहुत बड़ा जानवर है, यस, हम क्या करेंगे, टिक करेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नाउ एक्सरसाइज सी, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक, सही आंसर को चूज करना है और हमें जो ब्लैंक है, जो खाली जगह है, उसको भरना है। मोथ एंड बटरफ्लाई हैव डैश टू फ्लाई, बटरफ्लाई के क्या होते हैं उड़ने के लिए, फेदर्स या विंग्स, बटरफ्लाई के होते हैं विंग्स, WINGS, विंग्स। वी कीप डैश एनिमल्स इन आर होम,
वाइल्ड और पेट, हम कौन से एनिमल्स को अपने घर में रखते हैं? पेट, तो हम यहाँ लिखेंगे PET, पेट। नेक्स्ट, डैश हैव सिक्स लेग्स, किसकी छह टांगे होती हैं? इंसेक्ट्स की या बर्ड्स की? सिक्स लेग्स होती हैं इंसेक्ट्स की, INSECTS, इंसेक्ट्स। नेक्स्ट, एनिमल्स डेट लिव इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड डैश एनिमल्स, जो एनिमल्स जंगल में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं पेट एनिमल्स या वाइल्ड एनिमल, उन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। लास्ट वन, बर्ड पैक फूड विद देयर, बर्ड्स किससे खाना खाती हैं, टीथ से या बीक से? तो सब बर्ड्स की क्या होती हैं? बीक्स, चोच, तो हम यहाँ लिखेंगे बीक्स। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। द एनिमल्स डेट लिव इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल, यस, तो हम लिखेंगे ट्रू। स्क्वायरल एंड रैबिट आर स्मॉल एनिमल, गिलहरी और खरगोश छोटे जानवर हैं, यस, तो हम लिखेंगे ट्रू। इंसेक्ट्स हैव सिक्स लेग, इंसेक्ट्स की छह टांगे होती हैं, यस, अगेन वी विल राइट ट्रू। नेक्स्ट टू यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ एक्सरसाइज ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको उनके आंसर्स लिखने हैं। सो माय डियर किड्स, वंस अगेन यू विल रीड योर चैप्टर वेरी केयरफुली एंड यू हैव टू गिव आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर खुद करेंगे, अच्छे से अपना चैप्टर एक बार रीड करिए। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने डिफरेंट एनिमल्स के बारे में पढ़ा, बर्ड्स के बारे में पढ़ा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।